हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आप सभी लोगों ने कल कमेंट्स किए हुए हैं, उन कमेंट्स का मैं वन बाय वन आप सभी लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। और इससे पहले जो है दोस्तों, मैंने कन्फर्म बता दिया है आपको कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 24 जुलाई से हैं या नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो ख़त्म होने के बाद। उसके बाद उस वीडियो को देख लेना है और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 24 जुलाई से हैं या नहीं है। तो चलिए, जो आज की वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और जो आपके कमेंट्स हैं उनका वन बाय वन जो है मैं आंसर आपको बताता हूँ। और आपको जो है वेट करना होगा जो आपका कमेंट्स है उसका। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कमेंट आया है ये आया है कोकी 806 करके इनका पेज है। इन्होंने पूछा है कि सर, 2023 के लिए बीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी बता दीजिए। तो अगर आप समर सीजन की स्टूडेंट हैं मैम, तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने अपलोड किए हुए, और अभी जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिंदी के बीए फर्स्ट ईयर हिंदी इंग्लिश और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उनकी वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आपको वो वीडियोस देख लेनी है, और उससे जो है आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जुलाई 24 से, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है यहाँ पे हिमानी का। उन्होंने कमेंट करके पूछा है, बीकॉम के असाइनमेंट के क्वेश्चंस आंसर बता सकते हैं प्लीज़ बता दीजिए कंपनी लॉ के। हिमानी मैम, मैं आपको तभी जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन बता सकता हूँ बीकॉम के, जब आपकी तरह कोई स्टूडेंट असाइनमेंट देता है और मुझे जो है स्क्रीनशॉट क्वेश्चन की शेयर करता है तब। क्योंकि मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो कैसे मैं जो है बीकॉम के असाइनमेंट कर सकता हूँ। तो आपको जो है अगर आप जो है असाइनमेंट दे रही है तो आप मुझे क्वेश्चंस की वीडियोस भेज सकती हैं ताकि जो अदर स्टूडेंट है उनको हेल्प हो जाए। और अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी असाइनमेंट दिया हुआ है बीकॉम का तो वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दे ताकि हिमानी मैम की जो है वो हेल्प हो जाए असाइनमेंट देते हुए। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया है आशीष का। उन्होंने जो है कमेंट करके पूछा है कि सर, PLG के व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ना। सॉरी सर, प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ना। आशीष भाई, मैं जो है एग्ज़ाम के बाद जो है आप सभी लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूँगा, उसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा कि आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप वाला, तो उस टाइम आप ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है गौरव का। उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो गौरव भाई, अभी जो है आपकी जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आए हुए, जब भी एडमिट कार्ड आएंगे आपके तो वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आपको जो है चैनल पे जो वीडियोस आ रही है उनको देखते रहना है। और दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने आपकी जो हिंदी और इंग्लिश और जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस बना के डाल दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है सिराई सर ARI करके है इनका। उन्होंने पूछा है, सर BAEC 301 के असाइनमेंट की वीडियो। तो भाई, मैं आपको असाइनमेंट की वीडियो तभी भेज सकता हूँ BA फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स की, जब आप ही की तरह कोई स्टूडेंट मुझे जो है स्क्रीनशॉट शेयर करता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की भाई। और अगर कोई भी जो है स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता है तो आपके पास बुक होगी इकोनॉमिक्स की, उसमें जो आपके चैप्टर में से ही आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उन चैप्टर को देखिए और वहाँ से आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनके आंसर वहाँ पे जाके दे सकते हैं भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है सपना का। उन्होंने जो है कमेंट किया हुआ है, सर असाइनमेंट कब तक दे सकते हैं 31 जुलाई। जी हाँ सपना मैम, जो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, बट आपको ट्राई करना है कि 31 जुलाई से आप पहले असाइनमेंट दे दें, क्योंकि अभी जो है मे बी जब आपके असाइनमेंट की जब लास्ट डेट है उस टाइम पे जो है कुछ ग्लिच हो या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 31 जुलाई से पहले असाइनमेंट दे दे सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है प्रीति मिश्रा का। उन्होंने पूछा है, सर UOU की वेबसाइट क्यों नहीं चल रही आज।
मैं आपको बता दूं मैम, प्रीति मैम यूओयू की साइड इसलिए नहीं चली थी क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम हैं उसके लिए एक न्यू अपडेट आया हुआ है। तो अगर आप सभी लोगों ने वो अपडेट की वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा लास्ट में, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है कुछ चेंजेस हुए थे मैम, इसीलिए वेबसाइट नहीं चल रही थी आपकी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है वो आया है यहाँ पे चंद्रा का। उन्होंने पूछा है, भैया असाइनमेंट करते टाइम कनेक्शन टाइम आउट करके आया फिर हट ही नहीं। नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे पर फिर ये प्रॉब्लम हो गई, हालांकि टाइम मेरे पास 30 मिनट प्लस थे। अगर आपका ये इशू हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंटरनेट है वो स्लो चल रहा होगा, इसीलिए आपने जो है ये इशू हुआ है आपको, और जो आपका वन अटेम्प्ट था वो हो चुका है। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट देने जाएं तो आप बेटर इंटरनेट एरिया में जाके वो अपने असाइनमेंट्स दें मिस चंद्रा मैम, ताकि आपको जो है दोबारा से ये इशू ना आए। ठीक है, आपका जो है इंटरनेट इशू था इसलिए ही वो आपका जो है कनेक्शन टाइम आउट दिखा रहा था। तो एक बार जो है आप बेटर इंटरनेट कनेक्शन में जाके आपके जो असाइनमेंट है वो दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, उन्होंने पूछा है, सर मुझे बुक नहीं मिली बीए फर्स्ट ईयर की। तो पूजा मैम, अगर आपको बुक नहीं मिली हुई बीए फर्स्ट ईयर की, तो जो आपका जो है स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपके बुक्स आ चुके हैं, वहाँ पे जाके जो है आप जो है बुक्स जो है ले सकती हैं। आपको वहाँ पे जो है आपके जो टीचर्स लोग हैं वो बुक्स दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है यहाँ पे ममता का। उन्होंने पूछा है, सर हमें बता पता कैसे चलेगा कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम कौन सा है, कब है, पीडीएफ में पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको बता दूं मिस ममता कि आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं उनका एक बुक कोड होता है, तो वो बुक कोड आपको जो है बुक में देखना है। अगर आपने बुक नहीं ली हुई है तो आपको क्या करना है, आपका जो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम आपको जो है स्लिप मिली होगी, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उस पर भी आपको बुक के कोड दिए होंगे। तो जो आपका डेट शीट आई है उसमें आप जो आपके बुक के कोड हैं जो बुक पर, उन कोड को देखिएगा डेट शीट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से दिन किस सब्जेक्ट का आपका जो है पेपर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कमेंट वो है किरण का। उन्होंने पूछा है कि सर जिसका बैक लगे फर्स्ट ईयर में वो इस पेपर में सेट बैक पेपर देगा। तो जी हाँ मैम, अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में आपकी बैक आई हुई थी तो आपका जो है बैक एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो आपको वो एग्ज़ाम भी देना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है रोहित का, उन्होंने जो है कमेंट करके पूछा है, सर प्लीज़ बीए फर्स्ट ईयर वालों के पेपर कब हैं बता दो प्लीज़, लिंक मत देना यहीं बता दो प्लीज़। जी हाँ भाई, भाई मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं जो है किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ टाइप करके, मैं सिर्फ वीडियो बना के लाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोगों को जो है पूरी तरह से जानकारी दे पाऊँ। तो आपको जो है वीडियो देखनी ही पड़ेगी अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तो। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो बैक पेपर जो आपके बैक पेपर हैं वो भी आपके जो है 24 जुलाई से ही है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके जो है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा। आपका जो है सब्जेक्ट वाइज वो आपको चेक कर लेना है कि किस विषय में आपका बैक आई थी और जो है कौन सा जो है आपका दिन वो पेपर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया है तारा का। उन्होंने पूछा है, सेकेंड ईयर वालों का कब डालोगे ब्रो। सेकेंड ईयर का जो है मैं आपके लिए 1-2 दिन में डाल दूंगा, तो उस टाइम आपको वो वीडियो देख लेनी है। आपको जो है कल या परसों में वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा हिंदी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है सूरभी महेश्वरी का। उन्होंने जो है 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दो पहला है, बीए सेकंड ईयर में इनरोलमेंट नंबर चेंज होता है क्या सर। दूसरा क्वेश्चन है, सर कन्फर्म बता दीजिए कि विंटर सीजन में फॉर्म फिल किया है उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनरोलमेंट नंबर चेंज आप नहीं कर सकते हैं, और जो विंटर सीजन में जो फॉर्म फिल किया है उनके एग्ज़ाम जो है वो आपके अक्टूबर या नवंबर में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी है मिस सुरभि। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है नीरज का, उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि सर जी बता दो कि बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों के पेपर कब से हैं। तो जो आपके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 24 जुलाई से हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है तैयारी कर लेनी है अभी से नीरज भाई, 24 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है बबीता का, उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे तो बुक्स ही नहीं मिली, बिना पढ़े एग्ज़ाम कैसे दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बबीता, अगर आपको बुक नहीं मिली हुई है तो आपकी बुक जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं आपके जो हैं एग्ज़ाम सेंटर है, स्टडी सेंटर्स में, आप वहाँ पे जाके अपनी बुक्स ले सकते हैं। अभी भी आपके पास जो है 10 डेज़ हैं, तो आपके जो पेपर्स हैं उसमें भी आपको जो है 1 वीक का टाइम मिल रहा है एक सब्जेक्ट में, तो आप जाके ले सकती हैं और जो है उन जो है वहाँ से लेने के बाद आप पढ़ सकती हैं। और अगर आपने बुक नहीं ली हुई है तो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने डाले हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, आप उन क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे मार्क्स ला सकती हैं उन वीडियोज़ को भी देखकर आप। फिर उसके बाद मनीषा का कमेंट आया है कि ये आंसर सही तो है ना। मनीषा मैम, जो आपको मैंने यहाँ पे इंग्लिश का जो आंसर डाले हुए हैं उसमें से आपके जो हैं 27 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, तो वो मुझे भी नहीं पता कि कौन सा आपका इसमें जो है राइट आंसर है, कौन सा यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था उसमें जो है मुझे 27 मार्क्स आए थे 30 में से, तो इसमें 27 राइट मार्क्स हैं और 3 रॉन्ग है इसमें क्वेश्चंस आपके। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है के करके, इन्होंने पूछा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बीए प्रथम वर्ष के सभी विषय की परीक्षाओं की तिथियां इसमें नहीं दी गई है, ऐसा क्यों। आपको जो है भाई आपकी जो बुक है उसका एक कोड होता है उससे चेक करना है, आपको यहाँ पे बुक का नाम से नहीं, आपका जो डेट शीट है उसमें बुक के नाम से नहीं आता है, सिर्फ आपके जो बुक पे कोड होता है, जैसे इंग्लिश का BAEL है आपका, हिंदी का आपका BAHL है, वैसे ही आपने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका एक कोड होगा, उसको चेक कीजिएगा आपको मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है नरेंद्रा करकर, उन्होंने पूछा है कि सर सेकेंड ईयर इंग्लिश का भी बनाओ। जी हाँ भाई, इंग्लिश की जो है बुक, इंग्लिश की जो है दोस्तों मैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा कुछ ही दिनों में, बट मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मेरा भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो मुझे भी थोड़ा जो है तैयारी करनी होगी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा नरेंद्रा मेहता भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है युक्ति करके, इन्होंने कमेंट किया है सर BASO 102 और 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दीजिए। जी हाँ मैम, आपके लिए मैंने जो आपके सोशोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व करके उनकी वीडियोस डाली हुई है, आप उन क्वेश्चंस को देखिए आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे एग्ज़ाम में, अगर 2-3 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद दोस्तों ये आप सभी लोगों के कमेंट्स थे जो अभी तक आपने पूछे हैं, और एक कमेंट और आया है यहाँ पे हिमानी का, उन्होंने यहाँ पे पूछा है सर BA सेकेंड ईयर का BAHI 202 का 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो सर। जी हाँ मैम, मैं आपके लिए जो आपका जो BAHI 202 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आ रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा दिन लगेंगे उसको अपलोड करने में, क्योंकि जो अदर्स वीडियो हैं वो भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा और जल्दी ही आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थे आप सभी लोगों के कमेंट्स के आंसर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको जो है नेक्स्ट दिन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।